जो लो क्लास के लोग होते हैं, ठीक है, मतलब कह सकते हो एक पुअर व्यक्ति, ठीक है, वही दोस्तों यूट्यूब पर आना चाहता है, क्योंकि उसे एकदम मतलब पैसे कमाने का वो सोचता है, यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा पैसे हैं और दोस्तों वो उससे सारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए होने वाली, क्योंकि इस वीडियो में हम दोस्तों कुछ ऐसा ही डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। देखो फ्रेंड, यहाँ पर मैं भी मतलब लो क्लास से हूँ एकदम यहाँ पर, क्योंकि मेरे साथ भी कोई नहीं है फ्रेंड, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। तो यहाँ पर मैंने भी दोस्तों इसीलिए स्टार्ट करता, हो सकता है फ्रेंड आप लोगों ने भी इसीलिए दोस्तों यूट्यूब स्टार्ट करा हो कि भाई हम भी कुछ अच्छा हमारे लिए हो जाए। और इसी दोस्तों आस में यहाँ पे मैं भी अभी वीडियो फ्रेंड अपलोड करे जा रहा हूँ। हमको आगे का पता ही नहीं भाई, हम कब सफल होंगे दोस्तों। और इसके साथ साथ देखो, आपको दोस्तों यूट्यूब के साथ साथ आपको कुछ करना भी पड़ेगा। यहाँ तक कि दोस्तों अगर आप यहाँ पे गरीब हो, या फिर कह सकते हो आप कुछ मिडिल लो क्लास से हो, या फिर कह सकते हो मिडिल क्लास से हो, ठीक है, तो दोस्तों आप यूट्यूब फुल टाइम नहीं कर सकते। यही समस्या दोस्तों हर एक क्रिएटर के साथ आती है, जितने भी दोस्तों यूट्यूबर हैं, ठीक है, वो भाई यूट्यूब भी बनना चाहते हैं, यूट्यूबर भी बनना चाहते, और यहाँ पे कह सकते हो मतलब वो पुअर भी है। अब बताओ दोस्तों, दोनों का कॉम्बिनेशन उन्होंने स्टार्ट करा था और वो आज कहाँ से कहाँ है। इसी आस में दोस्तों जितने भी यहाँ पे जो गांव से बिलोंग करते दोस्तों, वो बस इसी आस में कि कब हम दोस्तों यूट्यूब पर सफल होंगे, ठीक है। मेरे भी यही कहानी है फ्रेंड, मैंने भी इसीलिए ना यहाँ पे यूट्यूब स्टार्ट करा था। और दोस्तों अभी यहाँ पे मेरा देख सकते हो, ठीक है, कि मैंने कितनी सारी यहाँ पे वीडियोस फ्रेंड अपलोड कर दी, लेकिन तो उसके बाद भी यहाँ पे मेरे को मतलब अभी कोई यहाँ पे रिजल्ट देखने को नहीं मिला फ्रेंड। मैंने मतलब इतनी सारी, अगर दोस्तों मैं और कुछ कैटेगरी या फिर दोस्तों और कुछ काम करता, शायद उसमें मैं कब का यहाँ पे सफल हो जाता। लेकिन भाई कह सकते हो ना, एक जुनून है अंदर कि भाई हाँ हमको ये करना है, ठीक है, मतलब यूट्यूबर बनना है। मतलब अगर फ्रेंड अगर हम यूट्यूब पर सफल नहीं हुए तो पता नहीं हमारा क्या होगा आगे चल के। क्योंकि यार मतलब एक कह सकते हो, अगर हम यूट्यूब पर डेली वीडियो अपलोड नहीं करते तो हमें ऐसा लगता है दिन में कि पता नहीं हमने कुछ करा ही नहीं हो, ऐसा लगता है दिन भर। मतलब थोड़ा ऐसा फील आता है कि हमने कुछ काम ही नहीं करा हो फ्रेंड दिन भर। हर एक जो गाँव से बिलोंग करते, ठीक है, क्रिएटर दोस्तों, वो उनकी भी यही कहानी है, वो यूट्यूब छोड़ना नहीं चाहते। वो दोनों जगह फ्रेंड ट्राई करना, ठीक है, आपको जो काम चल रहा है वो भी करो, जब फ्री रहो फ्रेंड तब उस टाइम यूट्यूब पर भी करो। क्योंकि देखो अगर आप यहाँ पे सब जॉब वगैरह सब कुछ छोड़ कर अगर यूट्यूब स्टार्ट करो तो आपका दिमाग फ्रेंड ख़राब होगा, ठीक है। आप यहाँ पे व्यूज़ नहीं आएंगे तो आपका दिमाग और ज़्यादा ख़राब होगा, क्योंकि आपको लगेगा भाई हमारे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, हमने जो है फ्रेंड नौकरी भी छोड़ दी। इसलिए दोस्तों आप हो सकता है थोड़ा डिप्रेशन में चले जाओ, क्योंकि यार ये रियलिटी है फ्रेंड, मैं आपको बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूँ, क्योंकि ये रियलिटी हर एक के साथ होता है फ्रेंड। और बहुत से लोग फ्रेंड डिप्रेशन का शिकार हुए, जितने भी यूट्यूबर है, ठीक है, वो या तो उन्होंने छोड़ दिया फ्रेंड, या फिर वो और कुछ लाइन में चले गए। क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर ऐसे थे फ्रेंड, मैं क्या बताऊँ आपको, मतलब 70% दोस्तों क्रिएटर ऐसे ही यूट्यूब पर आते हैं, बस कुछ भी मनगढ़ंत कहानी बना के यूट्यूब पर अपलोड करते हैं और उनका चैनल चलता नहीं, मतलब वो 150 वीडियो डालकर छोड़ देते हैं यूट्यूब को। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना फ्रेंड। देखो मैं आपको बताता हूँ सही रास्ता। देखो अगर आपको YouTube पर काम करना है फ्रेंड, देखो मैं मतलब डेली वीडियो अपलोड करता हूँ, डेली नहीं तो कभी तो कर ही देता हूँ फ्रेंड, एक दिन छोड़ के, ठीक है। अगर आपको डेली YouTube पर काम करना है तो देखो आपका रूटीन हो जाएगा फ्रेंड, आपको बहुत मज़ा आने लगेगा, जो कि मेरे को आने लगा। क्योंकि मैं दोस्तों आपने अगर जो जितने भी क्रिएटर देख रहे हो, अगर वो यहाँ पर रेगुलर बेस पर यूट्यूब पर काम करते हैं, तो वो उनको डेली वीडियो अपलोड करते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है दोस्तों। वीडियो क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, जो कि मेरे को भी आता है दोस्तों। मैं अब यूट्यूब छोड़ नहीं सकता, क्योंकि अगर मेरे व्यूज़ नहीं आए फ्रेंड तब भी मैं यूट्यूब पर काम करता रहूँगा। क्योंकि यार बस कह सकते हो ना, एक नशा जो होता है फ्रेंड वो यूट्यूब पर हो जाता है। तो अब देखो मैं जो अपना मेन टॉपिक उस पर बात करूँगा कि क्या हम करें फ्रेंड। देखो अगर आप भी यहाँ पे यूट्यूबर बनना चाहते हो दोस्तों, आपके सामने भी गरीबी है रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपके सामने गरीबी है दोस्तों आपको दोनों को मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई भी फ्रेंड आपका साथ नहीं देगा, ठीक है, आपको अकेले आए हो फ्रेंड, आपको अकेले ही आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस आप दूसरों के भरोसे देखा देखिए आपने यूट्यूब स्टार्ट कर लिया। देखो फ्रेंड सबसे गलत डिसीजन यही होता है कि आपने दूसरे के देखे, उसकी इनकम देखी बड़े क्रिएटर की, आपने यूट्यूब फटाक से स्टार्ट कर दिया। तो ऐसा फ्रेंड मैंने बहुत सारे क्रिएटर ऐसे देखे जो बिल्कुल दूसरे की अर्निंग देख के फ्रेंड, दूसरे का लाइफ स्टाइल देख के वो यूट्यूब पर आ जाते, लेकिन दोस्तों होता कुछ और है, वो कुछ दिन ट्राई करता है, इसके बाद सब कुछ छोड़ देता है। तो ये चीज़ें फ्रेंड, ये समस्या आपके साथ आएंगी, तो इनसे आपको घबराना नहीं है, ठीक है। और फ्रेंड मैं भी आपकी ही कैटेगरी का, मैं ऐसा नहीं कि मैं कुछ हाई फाई हूँ, ठीक है। मैंने अभी तक आप मेरा घर नहीं दिखाया फ्रेंड, मेरे बारे में मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ इतना बता रहा हूँ फ्रेंड कि मैं भी फुकफाट हूँ, ठीक है। मैं भी कहीं जॉब करता हूँ दोस्तों, इसके बाद भी यहाँ पर वीडियो बनाने आता हूँ। आपको खुद पता है फ्रेंड, यहाँ पर मैं जैसे ही टाइम मिलता है मैं फटाक से यहाँ पर जंगलों में वीडियो बनाता हूँ। इसीलिए बनाता हूँ क्योंकि गाँव वाले कोई सपोर्ट नहीं करते फ्रेंड, तो इसीलिए दोस्तों मैं अकेला ही वीडियो बनाता हूँ। मेरे को पता है अगर देखो सफल हुए तो अपने मेरे लिए होंगे दोस्तों, मैं सफल, अगर आप सफल हुए तो आपके लिए होंगे। क्या मैं आपका हिस्सा लेने नहीं आऊँगा, ठीक है, आप अगर सफल हुए तो।
देखो यार, अगर मेरे कहने से अगर थोड़ा बहुत अगर आप चेंजेस आता है, कह सकते हो थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो बस मेरे को अच्छा लगेगा। बस आप मेरे को कमेंट कर देना कि हाँ भाई आप गलत बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, ठीक है। क्योंकि हमारी लड़ाई अकेले ही लड़ना पड़ेगी, ठीक है। जो भी करना है फ्रेंड, जो भी आपके सपने हैं वो करो। अगर यूट्यूब, देखो आप यूट्यूब पर आए हो तो यूट्यूब करो यार, आपका शौक जो है फ्रेंड, मैं एक ही चीज़ मानता हूँ फ्रेंड, जैसा आपका शौक है, ठीक है। अगर आप फोटोग्राफी है, जो भी फ्रेंड आप एडिटिंग वगैरह, जो भी आपका शौक है फ्रेंड, वो आप करो। चाहे वो कैसा ही काम हो, चाहे वो गंदा काम हो, चाहे कैसा ही काम हो, अगर उसका आपको शौक है फ्रेंड, वही काम करो आप, ठीक है। इसमें अपने को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा दोस्तों, इससे आप हमेशा परमानेंट पूरी लाइफ उस काम को इन्जॉय होकर कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद था कि मैं आपको बताऊं कि भाई ये समस्या आपको इस तरह से यूट्यूब नहीं छोड़ना है। गरीबी है तो है भाई, हम सीखेंगे और सिखाएंगे ऑडियंस को, यही खेल है। और देखते हैं कब तक हमको यूट्यूब और स्ट्रगल करवाएगा फ्रेंड, ठीक है। तो फ्रेंड, ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और दोस्तों हाँ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए हमेशा लाता रहूँगा। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।